तो गाइस हमारे गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आ चुका है न्यू टिनी स्विमिंग पूल और इसमें अभी सभी छोटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैं भी इसमें छोटा हो गया, मस्त खेल रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप भी इसको कैसे ले सकते। यार आज मैं सुबह सुबह उठा, मेरे पास बॉस की कॉल आई कि तुम जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन एरिया पे आओ, इसलिए मैं जल्दी से अपनी स्कॉर्पियो को उठाकर जाने लगा कंस्ट्रक्शन एरिया पर। और उन्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी वर्कर को भी आज नहीं बुलाया है। ओ अच्छा, तो एक नई सिटी की प्लानिंग हो रही है। हमारे सामने जो मैप है ना, ये सेम टू सेम हमारी सिटी जैसा मैप है। एक नया शहर बन रहा है जो कि सेम हमारी सिटी जैसा लेआउट होने वाला है, इसलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें एक न्यू वाटर पार्क जो होने वाला है वो कहाँ पर और उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो उसके लिए हमें स्विमिंग पूल चाहिए और स्विमिंग पूल के लिए हम लोगों को कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे घर में जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का है, तो मुझे एक अच्छे डिज़ाइन का स्विमिंग पूल और वाटर पार्क तैयार करके बॉस को देना है ताकि वो उस न्यू सिटी में वो इम्प्लीमेंट कर पाए। वैसे बात तो बहुत ने सही कही है कि मेरे घर का जो स्विमिंग पूल डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसीलिए मैं अपने ही स्विमिंग पूल को उस लेआउट में रख दूंगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन एक बार मैं देख भी लेता। हाँ यार बात तो सही है, मेरे स्विमिंग पूल का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है तो इसीलिए मुझे ये अपने लेआउट में लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक मिनी स्विमिंग पूल भी चाहिए। देखता हूँ मैं अपने फ़ोन में कि मुझे वो कहाँ मिलेगा। मैंने अभी अभी अपने फ़ोन में देखा तो मुझे अभी पता चला कि वो दूसरी सिटी में मिलेगा और वहाँ पर कार से या ट्रेन से जाना तो बहुत हार्ड है, कई दिन लग जाएंगे, इसलिए अब मुझे एरोप्लेन से ही जाना पड़ेगा। फिर मैं फटाफट से पहुँच जाता हूँ एयरपोर्ट और यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो को पार्क कर देता हूँ और फिर मैं जल्दी से बैठ कर निकल जाता हूँ न्यू सिटी की तरफ। वैसे यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ और बॉस ने कहा है जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम्हें वो स्विमिंग पूल लाना है। और फाइनली 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ न्यू सिटी में और इस सिटी में मिला है मुझे ये रैंप और इसे कंप्लीट करके मुझे मिल जाएगा टिनी स्विमिंग पूल। हाँ गाइस, यहाँ पे हमें फ्री में बाइक भी मिली है जिससे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसे कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो अभी यहाँ से राइट मुड़ना है और ये कंटेनर घूम रहा है क्या? ओके कंटेनर घूम रहा है और मुझे इस पे से चढ़ के जाना है। ओके और भाई यहाँ बहुत पतली दीवार है और मैं इस पे से चढ़ रहा हूँ और उस पे से तो मैं चढ़ चुका हूँ और ये यहाँ से कैसे निकलना है? ओ भाई ये कंटेनर घूम रहा है। ओके अब निकलना है। अच्छा और ये आ चुके हैं दीवार और मुझे इनके साइड वाले स्पेस में से निकलना होगा। बहुत थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रखा है। ओके तो ये भी पार हो गया और अब ये जाली वाली दीवार भी हो गई है। अभी ये आगे एक और कंटेनर आ रहा है। ओके सो फाइनली मैंने अपनी बाइक चढ़ा दी है और अभी यहाँ से कैसे निकलना है वो तो मुझे भी नहीं पता। चलिए अब मैं 2 मिनट बाद मिलता हूँ। ओके सो फाइनली वहाँ से निकल गई है और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये भी हो गया। ओके अभी दिख तो नहीं रहा है भाई आगे क्या है। ओ ओके तो यहाँ से भी चढ़ गई और मैं मस्त व्हीली मारते हुए आगे जा रहा हूँ। ये तो ख़त्म दिखा। अच्छा साइड से निकलना है, साइड से भी निकाल लेते हैं और आगे तो रास्ता ही नहीं है। शायद यहाँ ऊपर से निकालना हो, बट ट्राई करता हूँ और ये निकल जाए। भाई अटक गई, चलो मैं आगे पीछे करके निकाल लूँगा। और अभी ये आ चुके घास फूस झाड़ियाँ, इनमें से निकालना हार्ड होता है लेकिन मैं निकाल लेता हूँ। निकल तो गई है और अभी ये पंखड़ी आ चुकी है, इसे तो मैं क्रॉस कर ही लूँगा, ये तो आसान है। और ये भी हो गई भाई। गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, आगे रास्ता ही नहीं है और अभी मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाना है। मैं यहाँ पर आके अटक चुका हूँ और पीछे पंखड़ी है, आगे रास्ता ही नहीं है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है साइड में रास्ता हो, मैं एक बार देखता हूँ। वहाँ पे वैसे पंखड़ियाँ घूमती हुई तो दिख रही हैं, चलो वहाँ जाके देखते हैं। ओके भाई यहाँ पर रास्ता है। फालतू में गाइस टाइम वेस्ट हो गया। ओके तो अभी मैं यहाँ से जल्दी से निकालता हूँ। अरे नहीं यार, नहीं 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 पंखड़ी नहीं यार, अब मेरी बाइक ना गिर जाए। गाइस बाइक पूरी टेढ़ी हो रही है और बच गई भाई, बच गई। और गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा और रह रहा है। ओके तो फाइनली हमें मिल चुका है और देखना कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मुझे जल्दी से ये लेना है और लेके जाना है अपने घर। और ये अच्छा है कि इन्होंने यहाँ से रैंप दिया ताकि मैं नीचे जा सकूं, वरना तो भाई मुझे गिर के जाना पड़ता।
तो फिर मैं चला जाता हूँ अपने घर वापस। ओके सो गाइस वी आर बैक टू आवर होम टाउन और चलते हैं अब इस स्विमिंग पूल को लेके अपने घर वापस। और गाइस मैं इस स्विमिंग पूल के साथ दो और स्विमिंग पूल लाया हूँ। तो ये देखो, ये सामने मैंने स्विमिंग पूल रख दिया है जो कि सेम मेरे पूल जैसा है, और एक बगल में भी स्विमिंग पूल रख दिया है और एक और रह रहा है वो हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनमें पानी भी भरना है और इसके लिए एक बड़ा टैंकर चाहिए। मैंने पेट्रोल पंप वाले से बात तो करी थी और उसने कहा था कि मिनी टैंकर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है, टैंकर वैंकर वाले काम ना पेट्रोल पंप वाले ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैंने पेट्रोल पंप वालों से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। देखो ये रहा, ये ऊपर नहीं ये नीचे छोटू सा, वैसे देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये हमारे सारे स्विमिंग पूल का पानी पूरा भर देगा। टैंकर भी मैंने ले लिया है, अब फटाफट से चलते हैं अपने घर वापस और जाके लगा देते हैं इस टैंकर को। तो ये देखो, एक साइड का तो सारा मैंने पानी भर दिया है और ये जो मेरे घर का वाला है, मेरे घर वाला जो स्विमिंग पूल है, इसमें ऐसे पानी भर रहा है। और इस वैसे ये छोटू सा है लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और अब ये थोड़ी देर में इसको भी भर देगा। देखो गाइस, हमारे सारे स्विमिंग पूल्स भर चुके हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अभी खाली खाली से लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ रखा जाए। तो अभी मैं जाने वाला हूँ वाटर पार्क के कुछ प्रॉप्स को लेने। वैसे हमारे यहाँ एक नई प्रॉप्स की दुकान खोली है तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं से ले लिया जाए, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है। ओके सो ये रही वो दुकान और मैं जल्दी से यहाँ से सारा सामान लेके चलता हूँ। ओके तो ये सारा सामान मैंने इंस्टॉल कर दिया है और इसमें आ जाते हैं स्लाइड भी आ जाती हैं और यहाँ पर छाता, कुर्सी और भी बहुत सारे सामान हैं, आप देख लीजिए। अब मेरे दिमाग में एक ख़तरनाक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना इसको चेक करा जाए। अब चेक करने के लिए चाहिए इंसान और अभी आप सोच रहे होगे कि मैं इतने छोटे इंसान कहाँ से लाऊँगा। अरे यार, हमारे शहर के पास वाले साइंटिस्ट सर हैं ना, वो कब काम आएंगे। आपको तो पता ही होगा हमारे जो साइंटिस्ट सर हैं वो कुछ भी बना सकते हैं। अरे साइंटिस्ट सर, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसी मशीन, ऐसा पोर्टल चाहिए जिससे कोई जाए तो वो छोटा हो जाए और आए तो वो बड़ा हो जाए। अरे हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, अब मैं इसे अपने स्विमिंग पूल के बगल में रख दूंगा जिसमें से जाते ही हम छोटे हो जाएंगे और मेरा लेआउट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यार मैं लेके आ चुका हूँ अपना पोर्टल और ये है हमारा टाइनी स्विमिंग पूल और ये है हमारा पोर्टल। अब इसमें से जाने से छोटे कैसे होंगे वो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। करने के लिए मेरे पास जेट स्की है और मैं इसमें धक्का, ओ भाई धक्का मारा और ये छोटी हो गई, मतलब कि ये पोर्टल सच में वर्क करता है भाई, अब तो मज़े आ गए। लेकिन उसके लिए मुझे लोग चाहिए चेकिंग के लिए, तो बाहर जाके मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या वो मेरे टाइनी स्विमिंग पूल पर आना पसंद करेंगे। एक भाई साहब घूम तो रहे हैं, चलो इनसे पूछते हैं। अरे भाई साहब, मेरे घर में एक स्विमिंग पूल है, क्या तुम आना पसंद करोगे। अरे भाई मार क्यों रहे हो। अरे मैं कह ही तो रहा हूँ यार, चींटी के साइज़ का है लेकिन तुम आ जाओगे। अरे यार छोड़ो, ये तो पागल इंसान है, चलो पुलिस वालों के पास चलते हैं। अरे पुलिस सर, मेरे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, वो मैंने बनाया है, इसमें ज़रूर आना। अरे नालायक बंदा दोबारा आ गया, मुझे बताना पड़ेगा, ले चलो भाई। अरे यार ये पुलिस वाले और पीछे पड़ गए, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। यार जब वो मुझे मार रहा था तब तो उससे कुछ नहीं कह रहे थे, मैंने एक गोली मार दी तो मेरे पीछे पड़ गए, अब मुझे जल्दी से जल्दी घर भागना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ। ये क्या भाई, मेरे स्विमिंग पूल में लोग आ गए। अरे यार ये कब आए, ये तो मुझे मालूम ही नहीं चला। अबे ये तो पुलिस वाला है, लगता है इसने आके चेक किया होगा और ये सारे लोग भी आए होंगे। और भाई मैं भी जाता हूँ। ओ मैं भी छोटा हो गया और सीधा जेट स्की पे। भाई जेट स्की चल भी रही है यार, मज़ा ही आ गया यार। मैंने बोला था इन लोगों को कि ये वर्क करता है, इन लोगों ने पहले क्यों नहीं सुनी। देखो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्या चिल मार रहा है, जब से ही क्या देख रहा है इधर उधर, और ये किड्स पूल में तैर रहा है। और पीछे ये देखो, इसको कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में, क्या आराम से लेटा है। ओ भाई क्या डाइव है, ये तो सीधा अंदर ही चला गया। एक डॉग भी है यार, अपने डॉग को भी लेके आए हैं ये लोग, बताओ भाई। लेकिन मेरा टेनिस स्विमिंग पूल भाई कब से लेटा है यार,
अबे क्या लेटा है, झूल ना जाके स्लाइड में। इतनी तेज तो लात मारी नहीं थी, अभी एक लात ही तो मारी थी यार, इतने में पुलिस क्यों आ गई। गाइस इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगे हैं, लेकिन तब भी इस वीडियो को सिर्फ 2 बंदों ने लाइक किया।